हेलो दोस्तों, ये है जी हमारा खूबसूरत सा जूनिपर का प्लांट। आप देख सकते हैं इसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ठंड के महीने में आप देखेंगे ग्रोथ बिल्कुल ऑलमोस्ट हो जाती है जी स्टॉप। लेकिन अच्छी बात क्या होती है जी इस प्लांट की कि इसकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, सूख तो जाती हैं, ठीक है। वो सूखने के बाद पत्तियाँ बड़ी नुकीली और कांटेदार होती हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी पत्तियाँ होती हैं, नुकीली नुकीली, कि अगर ये आपको चुभ जाएँ तो उनके चुभने का जो असर है, जो तकलीफ़ है, वो आपको कम से कम 2 से 3 दिन रहती है। बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त एक टीस होती है जब ये इनकी पत्तियाँ, तो इनकी पत्तियों से तो भैया आप रहें जी दूर। लेकिन इसका जो लुक है अपने आप में, जो उसकी खूबसूरती है, वो इसको बनाती है जी थोड़ा अलग, हट कर किसी और अलग प्लांट से। हार्ड प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में लगा रहता है और इसको बार बार रिपॉट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इस पॉट के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा 4 साल से लगा हुआ है। छोटा सा पौधा था जी, 2 से 3 फीट का जब हमने इसको लिया था, आप देख सकते हैं आज की डेट में ये 7 से 8 फीट का हो गया और आप देख सकते हैं हमारे छज्जे तक ये पहुँच गया है। यहीं आप देखेंगे अब इसकी, आप देख सकते हैं नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। देख रहे हैं आप नई 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 लीव्स का कलर ही अलग हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं थोड़ी पुरानी पुरानी सी लग रही हैं, ठीक है। बाकी नई आप लीव्स देख रहे हैं लगती हैं जब इनके ऊपर पानी पड़ता है, जब धूल मिट्टी हट जाती है, तो इनका अलग ही एक आता है जी टेक्सचर। मिट्टी की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मिट्टी नहीं चाहिए, नॉर्मल अगर आप इसको गार्डन सॉइल के अंदर भी लगा देंगे, कुछ नहीं मिलाएंगे जी इसके अंदर, तब भी ये आप देखेंगे सर्वाइव करता रहेगा। वैसे नॉर्मल अगर आप इसके अंदर रेत मिला दें, गार्डन सॉइल के अंदर अगर थोड़ा सा रेत इसके अंदर मिला दें, तो रेतीली मिट्टी ऐसे प्लांट को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी आप 6 महीने के अंदर एक बार इसके अंदर कोई सी भी खाद, नॉर्मल आप इसके अंदर सिर्फ गाय के गोबर की खाद डाल सकते हैं। हमको तो तकरीबन इसके अंदर डाले हुए आज कम से कम 7 से 8 महीने हो गए, कोई भी हमने इसके अंदर खाद नहीं डाली, फिर भी आप देख रहे हैं कि न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं इसका स्टेम कितना मोटा ये हो गया है, ठीक है। 2 स्टेम हमारे चल रहे हैं नीचे से ही और 2 स्टेम ऊपर घने होकर कितना ये एक पेड़ की शक्ल इसने ले ली है, ठीक है जी। और आपको इसको रखना है जी फुल सनलाइट के अंदर, ठीक है जी, या ऐसी बिल्कुल ब्राइट लाइट जहां पर सुबह सुबह की तकरीबन पूरे प्लांट के ऊपर रोशनी आती हो। अगर पूरे प्लांट पर रोशनी नहीं आएगी, सिर्फ आगे आगे रोशनी आएगी, तो आगे से तो पत्तियां इसकी रहेंगी जी ठीक, लेकिन पीछे से आप देखेंगे पत्तियां सूखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और नीचे ज़्यादा मिट्टी इसकी गीली नहीं रखनी, अगर आपको लगे कि इसकी तनों के ऊपर फंगस लग रहा है तो आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बहुत ही ज़्यादा सूख जाए, तब जाके आप इसके अंदर पानी डालें, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ना कोई कीड़ा वगैरह लगता है ऐसा अभी तक तो हमारा कोई रिकॉर्ड, हमने इतने साल हो गए इसको देखते हुए, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कोई भी इसके ऊपर ऐसा कुछ खास ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला कि कोई इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हुआ हो। लोकेशन बता दी, टेम्परेचर बता दिया, गर्मियों का प्लांट है, ठंड के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ी डॉर्मेंसी में चला जाता है, ठीक है। बार बार इसको रिपॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक छोटे पॉट के अंदर भी आप लगा देंगे तो उसकी रूट बाउंड होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये बोर्ड तो उसका भी आप देखें, अभी इस पॉट के अंदर 3 से 4 साल और रह सकता है जी ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और आपको इधर की साइड से दिखा देता हूँ जी ये, ठीक है। इतना ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है, ठीक है। बट थोड़ा दूर रहें जी इससे, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं, जो सूखी सूखी जो पत्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं, वो एकदम से चुभ जाती हैं, ठीक है। जो सूखी सूखी पत्तियाँ हैं देख रहे हैं, बिल्कुल सुइयों की तरह इसकी नोकें होती हैं। चलिए जी ठीक, तो ये थी जी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस कि आप इसको किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। पानी का स्प्रे इसके ऊपर करें जी, धूल मिट्टी झड़ जाएगी तो एक अलग ही रुख आता है जी, क्रिसमस ट्री की तरह हमको लगता है जी ये, बिल्कुल घना होता है और सूरज की रोशनी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अगर आप इसके नीचे अपने जो इंडोर प्लांट होते हैं उसके नीचे लगाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, जो डायरेक्ट रोशनी उनके ऊपर नहीं आएगी। आप इसके अंदर कोलियस लगा सकते हैं, हमने तो आप देख सकते हैं क्रोटन इसके नीचे रखे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे प्लांट का सेटअप नीचे इसके लगा सकते हैं, क्योंकि रोशनी डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। और ऐसे पौधे जो डायरेक्ट रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा स्पाइडर प्लांट हो गया, क्रोटन हो गया, सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट भी आप इसके नीचे लगा सकते हैं, कोलियस हो गया, तो ये सब प्लांटों का आप सेटअप इसके नीचे लगा के तैयार कर सकते हैं जी। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, ठीक है जी, बहुत आसानी से आपके गार्डन के अंदर चलता है, कोई इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है जी। नाम है जी जूनिपर
और बहुत आसानी से आपको नर्सरी में मिल भी जाएगा। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ जी। मैंने इनकी कटिंग लगाई थी जी थोड़े दिन पहले। हमारा कटिंग सेक्शन ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये हमारा कटिंग सेक्शन बना हुआ है। यहीं पर हम रखते रहते हैं। ये जी हमारी दो कटिंग जो हमने लगाई थी जी इनकी, हमने इनको नवंबर के अंदर लगा दिया था जी। आप ये देख सकते हैं जी, ये एक कटिंग हमारी है जी, ये देख रही है जी आपको कटिंग। और इसकी कटिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि नई नई ब्रांचेस, नई नई पत्तियां, लीव्स निकल रही हैं। ठीक है, पतली सी आप डंडी, जैसी भी डंडी आपको मिले इसके अंदर लगा दें तो कटिंग से भी आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक कटिंग अभी आपको और दिखाता हूँ जी। ठीक है जी, एक कटिंग हमने और लगाई थी जी इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, ये कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। कटिंग लगाने के लिए सबसे बढ़िया कि आप इसको डायरेक्ट रेत जो होती है जी, कंस्ट्रक्शन रेत जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर लगा के छोड़ दें। 15 से 20 दिन मैक्सिमम आप देखेंगे, एक महीने के अंदर इनकी जड़ें बन जाएंगी। और इसी प्लांट के अंदर अगर ये लगा रहेगा जी एक साल भी, तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत स्लो मूव करता है। और इसी के अंदर आप देखेंगे हम इसको लगे रहने देंगे जी आने वाले 6 से 7 महीने। और अभी 2 से 3 महीने इसके अंदर लगे हुए हो गए, 1 महीने में तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग निकली थी। हमने कटिंग को दूसरे प्लांट के अंदर लगा दिया है, थोड़ा आप देख सकते हैं हमारा 3 इंची का है जी ये पॉट। ठीक है, जब इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको किसी एक परमानेंट बड़े पॉट के अंदर लगा देंगे, जिसके अंदर ये सालों साल हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।